Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your English teacher. First of all, I welcome you all to the YouTube channel of RS Public School. And in this video, I will explain the lesson The Canterbury Ghost, which is adapted from the story written by Oscar Wilde and it is a novel based story. तो Oscar Wilde की ये लिखी गई कहानी एक novel है, एक उपन्यास है. इस story का नाम है The Canterbury Ghost. तो this chapter contains the characters Mr. Canterbury, who is American minister, Mr. and Mrs. Otis Washington, Otis, who is the eldest son of the Mr. and Mrs. Otis, Virginia, who is the daughter of the Otis family, and her soul is very pure. तो Virginia एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही simple लड़की है जिसने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया. उसकी age 15 years है. Twin sons, stars and stripes इन्हें refer किया जाता है. Sir Simon जो ghost है और Mrs. Umney जो कि housekeeper है. Canterbury Ghost जो story है वो एक ऐसी बंगलों की कहानी है जिसका नाम भी क्या है, Canterbury Mansion या Canterbury Chase. ठीक है. और Canterbury Chase जो में जो स्टोरी में जो भूत है वो सर साइमन दे कैंटरबरी का है, जिस पर अपनी ही बीवी अपनी ही पत्नी के कत्ल का इल्जाम लग जाता है. और उनकी वाइफ का नाम था लेडी एलेनर डे कैंटरबरी. तो लेडी एलेनर डे कैंटरबरी के कत्ल का इल्जाम सर साइमन पे लगता है. और वो ये माना जाता है कि 8-9 साल तक उनको उस बंगले में देखा गया, बाद में वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं. पर ऐसा नहीं था, उनको एक छोटे से सीक्रेट चैम्बर में लॉकअप करके रखा था, जंजीर में बांध दिया था और उनको भूखा प्यासा मरने के लिए मजबूर कर दिया था, जिससे कि उनकी आत्मा वहां पर भटकती रही थी. क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था. और उनके जो लालची कजन थे उन्होंने उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए उनको चैम्बर बंद कर दिया और वो मुक्त नहीं हो पाए वहां से. तो उनकी जो महत्वाकांक्षाएं जो इच्छाएं जो पूरी ना हो पाने के कारण वो एक गोस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो 300 सालों से भटकता आ रहा था और वहां रहे आने वाले लोगों को डराता था. और 300 सालों से वो सोया नहीं था. तो मीन्स 3 सेंचुरी हो चुकी थी उसको वहां रहते हुए. एंड नाउ द स्टोरी बिगिंस व्हेन मिस्टर हिरेनबी ओटिस रिक्वेस्ट द अमेरिकन मिनिस्टर कैंटरबरी टू परचेज दैट Canterbury Mansion. But he already warns him that the palace is haunted because there is a ghost of Sir Simon who roams in the house. And वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने कई बार उस ghost को का मतलब ghost के encounter से वो खुद परिचित हैं. उन्होंने भी कभी कभी ghost का को देखा है जो कैटेगरी मेंशन में घूमता रहता है. सो आवर फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट अराइवल ऑफ ओटिस फैमिली टू द कैंटरबरी चेज. नाउ मिस्टर हिरेन जो खुद कभी भी गोस्ट में बिलीव नहीं करते थे, उन्हें ये सब एक दकियन उसी बातें लगती थी. और वो इस मेंशन को खरीद लेते हैं और वो अपनी पूरी फैमिली
जो कि उनकी वाइफ मिसेस ओटिस वाशिंगटन जो उनका बेटा था वर्जीनिया डॉटर और ट्विन सन्स के साथ वहां पहुंचते हैं गाड़ी में। तो जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं मिसेस अमनी बिड देम वेलकम टू द न्यू मेंशन एंड शी हैड ऑलरेडी लेड टी फॉर देम इन द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी रूम में जहाँ उनका ड्राइंग रूम था वहाँ पर पहले से ही वो चाय रख के आ जाती हैं। अब मिसेज ओमनी जो कि हाउस कीपर हैं वो लेडी कैंडल विले ने मिसेस ओटिस से बात करके लगवाई थी क्योंकि वो बहुत पहले से ही वहाँ पे वर्क करती आ रही थी, तो वो नहीं चाहती कि उनका जो काम है वो छूटे। इसलिए वो रिक्वेस्ट करती है मिसेस ओटिस से कि वो मिसेस ओमनी को एज अ हाउस कीपर अपॉइंट करें। अब जैसे ही वो वहां ड्राइंग रूम में बैठते हैं और जो चाय है वो उसका आनंद लेते हैं तभी मिसेस ओटिस जो है वो हॉरीफाइड हो जाती है। उन्हें बहुत डर सा लगता है जब वो चिमनी के पास बहुत बड़ा खून का धब्बा देखती हैं। अब मिसेस अमनी उन्हें बताती है कि ये खून जो धब्बा है ये खून का है जो एलिनर डे कैंटरविले का है, यानी कि इस बंगले के असल मालिक की बीवी का है क्योंकि जो सर साइमन थे उन्होंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया था, तो आज भी वो खून का धब्बा यहाँ पर है। तो वाशिंगटन कहता है कि इसे अच्छे से साफ करिए। अब वाशिंगटन कहता है अगर ये धब्बा नहीं मिट रहा है तो इसके लिए पिंकरटन्स चैंपियन स्टेन रिमूवर आप यूज करिए। पिंकरटन्स चैंपियन स्टेन रिमूवर यूज करिए जो हर दाग धब्बे को मिटा देता है, और पिंकरटन्स चैंपियन स्टेन रिमूवर डाला जाता है और जो धब्बा है वो मिट जाता है। पर अगले ही दिन या तीसरे दिन फिर से वो ऑब्जर्व होता है, मतलब अगले दिन उसको मिटाया जाता है, जब ऑब्जर्व होता है तो उसको छुड़ाया जाता है रिमूवर से और फिर तीसरे दिन फिर वो सुबेरे लाइब्रेरी के पास वही खून का डब्बा नजर आता है। तो इन सबसे परेशान होकर एट लास्ट मिस्टर ओटिस जो हैं वो ये मानते हैं कि उन्होंने ये बंगला खरीदा है, कोई इसके पीछे कोई चाल होगी जो उनको डराने की कोशिश कर रहा है, बंगला खाली कराने की कोशिश कर रहा है। तो वो खुद अपने हाथ से उस दाग को मिटाते हैं और लाइब्रेरी का रूम लॉकअप करके अपने कमरे में चले जाते हैं और सोने जो है चले जाते हैं। उसी समय रात के 1 बजे द टाइम वॉज 1 o'clock एंड मिस्टर ओटिस वॉज लाइंग ऑन हिज बेड एंड सडनली ही हर्ड द साउंड क्रिएटेड बाय द रैम्बलिंग ऑफ द चेन्स। तो अब आधी रात में उन्हें क्यूरियस सी नॉइज से उनकी जो स्लीप थी उनकी जो नींद थी वो डिस्टर्ब हुई, और जब अपने स्लीपर्स को पहनकर वो कॉरिडोर में जाते हैं तो उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आता है जिसने बहुत मैले कुचले से कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थी और लॉन्ग ग्रे हेयर्स मैटेड हेयर्स वो उसके शोल्डर तक आ रहे थे और उसके हाथों की कलाइयों और पैर की पैर बेड़ियों से बंधे हुए थे जिसकी आवाज जिसे घसीटने की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। तो मिस्टर ओटिस उसे डरे नहीं और उन्होंने कहा कि मैं आपको टैमिनी राइजिंग सन लुब्रिकेटर दे रहा हूं, क्यों ना आप अपनी चेन्स को ऑयल कर लें, लुब्रिकेट कर लें जिससे कि ये कोई आवाज ना करे। तो और वो उससे भूत से ये कहते हैं भूत से ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये बॉटल जो है छोटी बॉटल मार्बल टेबल पे रखे जा रहा हूँ, तुम्हें और चाहिए होगी तो मुझसे मांग लेना, और वो अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। ये सब सुन के गोस बहुत गुस्सा होता है, उसे बहुत ही
ह्यूमिलिएटेड महसूस होता है और वो उस बोतल को नीचे फेंक देता है और एक दीवार से होता है वो अपने सीक्रेट चैम्बर में वापस चला जाता है जहां पर उसकी लाश थी। अब उसे बहुत ही उदास, बहुत ही बुरा लगता है ये कंडीशन देखकर कि वो 300 सालों से लोगों को डराता आ रहा था, पर ये क्या हो गया कि लोग उससे डर नहीं रहे। तो वो सोच सोच के ह्यूमिलिएटेड फील करता है और बीमार पड़ जाता है और कई दिनों तक अपने उस चैम्बर से बाहर नहीं आता है और कुछ दिनों तक चीजें संभाल लेती है। एंड व्हेन ही गॉट रिकवर्ड ही प्लान अगेन टू फियर द ट्विंस ऑफ दैट ऑटिस फैमिली। तो कुछ दिनों बाद जब वो ठीक होता है तो वो ये फील करता है कि वो अब ऑटिस फैमिली के जुड़वा बच्चों को डराए। अब जब वो प्लान कर रहा था तो उस समय 10:30 बजे वो जब वहाँ जाता है तो उस समय जब सब अपने कमरे में जा चुके होते हैं और 10:30 बज रहा होता है तो वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाता है। When he was going to affront them, he was not able to prepare as the boys were chatting and laugh, creating a laughter sound. तो जो बच्चे थे वो हंस रहे थे और आपस में बातें करते, यानी वो बीच जगह थे, इसलिए उसने सोचा कि ये सही समय नहीं है। और quarter to 11 में जब 10:45 हो रहा था रात का, तो गोस्ट ने ये सोचा कि ये अब सही समय है। तभी बाहर के पुराने पेड़ से रेविन के क्रो, जो ओल्ड मतलब वाइल्ड क्रो होता है, उसके कर्कश आवाज आती है और बिल्कुल सन्नाटा चल जाता है जो अर्धरात्रि का होता है, और वो इंतजार करने लगे कब घड़ी जो है वो 12 बजे। बट और वो सोचता कि मैं जैसे ही अंदर जाऊंगा एक कोने में बैठ जाऊंगा और सडनली उनको डरा दूंगा। तो जैसे ही वो ऐसा प्रयास करता है वो एक कॉर्नर में जाता है और सडनली वो हैरान नजर डर जाता है, क्योंकि उसके सामने पहले से ही एक भूत होता है जिसका सिर गोल ऑरेंज और फैट सा था और उसकी डार्क ब्लैक होल सी आईज बनी हुई थी। तो जिसे डरता वो इतना तेज डरता है और भागता है अपने चैम्बर में वापस चला जाता है। अब अगले दिन वो जब सवेरा होता है तो वो किसी तरह कोशिश करके बाहर आता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस भूत से गो से दोस्ती कर लूं जिससे कि मुझे मदद मिलेगी इन ओटिस फैमिली को डराने में और यहाँ से निकालने में। तो जैसे ही वो उनके कमरे में वापस जाता है तो वो पाता है कि वो तो सिर्फ एक पंपकिन था जिसका उन्होंने भूत के रूप में उसको डरा दिया। तो ओटिस के इस मजाक से वो इतना ह्यूमिलेटेड होता है, इतना गुस्सा आता कि वो सैड हो जाता कि वो अब असफल है और अपमानजनक महसूस करता है। सडनली वन डे वर्जीनिया सॉ हिम। तो गोस्ट लोगों को देखते हैं, गोस्ट साइटिंग्स होती हैं, पर ये है कि गोस्ट वॉज ट्रैक्ड बाय ओटिस। तो ओटिस किसी भी तरह उसको छल लेते हैं, उसका मजाक बना लेते हैं जिससे कोई उसको उससे कोई डरता ही नहीं है। गोस्ट वॉज सैड एंड ह्यूमिलेटेड। अब एक दिन खिड़की के पास गोस्ट जो था अपने सिर पर हाथ रखा हुआ कुछ सोच में बैठा होता है और बहुत ही सैड और ह्यूमिलेटेड फील करता था जब उस वर्जीनिया की उस पर नजर पड़ती है। वर्जीनिया 15 साल की एक ऐसी लड़की है जिसने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा था और गोस्ट भी इस बारे में अच्छे से जानता था। वर्जीनिया उससे बात करती है और उसको समझाती है कि देखो अगर तुम किसी का बुरा नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। वर्जीनिया की इन्हीं थॉट से इंस्पायर होकर वर्जीनिया को वो पूरी कहानी बताता है जो उसके साथ घटी थी और वर्जीनिया उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। वो वर्जीनिया से कहता है कि वो कई सालों से सोया नहीं है, 300 सालों से वो सोया नहीं है और अब वो ऐसा सोना चाहता है कि वो कभी भी उठ ना पाए, उसकी नींद ना खुले, यानी कि वो मोक्ष पाना चाहता है, वो मृत्यु के घर से अब ईश्वर के घर की ओर जाना चाहता
है, ईश्वर के द्वार जाना जाता है। तो वर्जीनिया हेल्प हिम, दे वेंट टू द गार्डन ऑफ डेथ। तो वर्जीनिया उसकी मदद करती है और वो गोस्ट वर्जीनिया को साथ लेकर दीवार के रास्ते से उसे सीक्रेट चैम्बर में ले जाता है और उसे सारे अपीयरेंस जो था वहां का दिखाता है कि क्या क्या उसके साथ घटा और क्यों वो सेल्वेशन नहीं पा पा रहा, क्यों वो मोक्ष नहीं पा पा रहा है। तो रिमेन्स ऑफ सर साइमन वर बियरीड एंड प्रॉपर फ्यूनरल्स परफॉर्म गॉड्स गॉड सेल्वेशन। अब वर्जीनिया के नाल नजर पड़ती है। वर्जीनिया 15 साल की एक ऐसी लड़की है जिसने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा था और गोस्ट भी इस बारे में अच्छे से जानता था। वर्जीनिया उससे बात करती है और उसको समझाती है कि देखो अगर तुम किसी का बुरा नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। वर्जीनिया की इन्हीं थॉट से इंस्पायर होकर वर्जीनिया को वो पूरी कहानी बताता है जो उसके साथ घटी थी और वर्जीनिया उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। वो वर्जीनिया से कहता है कि वो कई सालों से सोया नहीं है, 300 सालों से वो सोया नहीं है और अब वो ऐसा सोना चाहता है कि वो कभी भी उठ ना पाए, उसकी नींद ना खुले, यानी कि वो मोक्ष पाना चाहता है, वो मृत्यु के घर से अब ईश्वर के घर की ओर जाना चाहता है, ईश्वर के द्वार जाना चाहता है। तो वर्जीनिया हेल्प हिम, दे वेंट टू द गार्डन ऑफ डेथ। तो वर्जीनिया उसकी मदद करती है और वो गोस्ट वर्जीनिया को साथ लेकर दीवार के रास्ते से उसे सीक्रेट चैम्बर में ले जाता है और उसे सारे अपीयरेंस जो था वहां का दिखाता है कि क्या क्या उसके साथ घटा और क्यों वो सेल्वेशन नहीं पा पा रहा, क्यों वो मोक्ष नहीं पा पा रहा है। तो रिमेन्स ऑफ सर साइमन वर बियरीड एंड प्रॉपर फ्यूनरल्स परफॉर्म गॉड्स गॉड सेल्वेशन। अब वर्जीनिया के ना होने से ओटिस फैमिली में हड़कंप मच जाता है। उसके फादर सब जगह पूरे देश भर में सर्च करवाते हैं वर्जीनिया के लिए कि ऐसा नहीं कि भूत जो था वो उसकी बेटी को मार देता या उठा ले जाता, तो वो परेशान होता, पूरी कंट्री भर में उसको ढूंढते हैं, घर में भी सर्च किया जाता है। और आखिरकार जब वो वापस लौटती है परेशान होकर, डर कर, भयभीत होकर कि उसके साथ इतना गलत घटा है, तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार थी। और जब वो वापस लौटती उसका चेहरा बहुत ही पेल और टायर्ड नजर आता है। तो मिस्टर ओटिस को वो पूरी कहानी बताती है और मिस्टर ओटिस से कहती है कि हमें इस भूत को मुक्ति दिलानी होगी। तो जो रिमेन्स थे सर साइमन के उनको ब्यूरी कराया जाता है और प्रॉपर अंतिम संस्कार जो फ्यूनरल था वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट रिसाइडिंग थी, लास्ट प्रेयर सर साइमन के लिए की जाती है और उसको मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, एंड द ज्वेल्स दैट ही गेव to Virginia, Virginia wore in her wedding ceremony. So this was the chapter explanation. I hope you must have understood about the chapter. तो Virginia जो थी वो हमें इस character में हमें inspire करती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। I hope you must have understood. Thanks for watching this video. Have a nice day, students.